नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों मैं हूँ आप लोगों के साथ उर्वशी सिंघी, और दोस्तों यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज के साथ हम वापस आए हैं इस वीडियो को लेकर। दोस्तों आपने एनपीसीआई का नाम जरूर सुना होगा, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। बहुत 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 सुर्खियों में है अभी ये अमरेला ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि ये यूपीआई के ऊपर नोडल ऑर्गेनाइजेशन है। यूपीआई जितने भी आप ट्रांजेक्शन डे टू डे बेसिस पर ऑनलाइन कर रहे हो, पीयर टू पीयर या पीयर टू मर्चेंट, उन सभी के ऊपर जो देख रेख करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है वो है एनपीसीआई। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि यूपीआई जितनी भी यहाँ पर सर्विसेज परफॉर्म कर रहा है वो सब निगरानी में करता है एनपीसीआई की, और एनपीसीआई की निगरानी कौन करता है? आरबीआई, राइट। तो यहाँ पर दोस्तों यूपीआई एटीएम लॉन्च किया गया, इंडिया का पहला। दोस्तों ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि जो हमारा भारत है, जो हमारा इंडिया है, वो डिजिटल एरा की तरफ एक नया कदम बढ़ाने जा रहा है। और दोस्तों ये बहुत ही सराहनीय बात यहाँ पर होगी कि वो देश जहाँ पर लिटरेसी बहुत ज्यादा नहीं है, जहाँ पर डिजिटल नॉलेज लोगों को बहुत ज्यादा नहीं है, आज के टाइम पर मोस्ट ऑफ द पीपल यूज ऑनलाइन ट्रांजेक्शन फॉर देयर रेगुलर बेसिस, राइट। तो ये काफी दोस्तों इम्पोर्टेंट बात है, और आने वाले टाइम में ये एनपीसीआई दावा करता है कि मोस्ट ऑफ दी जो ट्रांजेक्शन होंगी वो ऑनलाइन की जाएंगी। ठीक है, कि हम यूपीआई को इतना सरल बना देंगे कि कोई भी उसे यूज कर पाएगा, और ना केवल हिंदी और इंग्लिश में अवेलेबल होगा बल्कि सारी रीजनल लैंग्वेजेस में। एक दिन ऐसा आएगा कि ये यूपीआई हेलो यूपीआई हुआ, या फिर जो यूपीआई लाइट एक्स हुआ, ये सब कुछ अवेलेबल होगा। दोस्तों वो टाइम जरूर आएगा, और हम आशा करते हैं कि ये सक्सेसफुल रेशियो में आगे बढ़ता रहे। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे इंडिया के पहले यूपीआई एटीएम की, जो कि रिसेंटली लॉन्च किया गया है। तो आप लोगों में से जो भी पहली बार हमारे साथ यहाँ पर जुड़ा है, सबसे पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि हम इसमें बहुत सारे कंसेप्ट को क्लियर करने वाले हैं। तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों रहेगा। साथ ही साथ अगर आपका कोई भी सजेशन है, कोई भी ऐसी टॉपिक है जिसके ऊपर आप इलैबोरेटिव वीडियोस चाहते हो, दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, हम आपके आंसर वहां पर जरूर नोट करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर यहाँ पर बात करते हैं इंडिया का पहला यूपीआई एटीएम। दोस्तों पहला यूपीआई एटीएम यहाँ पर लॉन्च हुआ है। यूपीआई का फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस हैज बीन फास्टेस्ट ग्रोइंग पेमेंट मोड इन द कंट्री एंड अकाउंट्स मोर देन 50% ऑफ डिजिटल ट्रांजेक्शन वॉल्यूम्स। दोस्तों आज जो हमारे भारत में जितने भी 100% डिजिटल ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, उसमें से 50% यूपीआई के थ्रू हो रहे हैं। ठीक है, अब यूपीआई के लिए आपको बहुत ज्यादा कुछ जरूरी नहीं होता, सिर्फ एक आपकी यूपीआई आईडी होती है। अगर आपको वो पता है ना, तो फिर आप किसी भी तरीके से किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाकर पेमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये इंटर ऑपरेबल है। ये पेटीएम पर भी चलता है, गूगल पे भी चलेगा, ये मोबीक्विक पे भी चलेगा, ये फ्री चार्ज पे भी चलेगा, सब कुछ पे चलेगा। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। आफ्टर रिवोल्यूशनाइज इंडिया इंडियाज डिजिटल पेमेंट सिस्टम, नाउ कंट्रीज फर्स्ट यूपीआई एटीएम वॉज लॉन्च ऑन ट्यूजडे। हिटाची पेमेंट सर्विसेज हैज इंट्रोड्यूस द कंट्रीज फर्स्ट एवर यूपीआई एटीएम एज अ वाइट लेबल एटीएम WLA। दोस्तों आपको ये बात बहुत 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 गौर करके याद करनी है कि जो यूपीआई एटीएम सबसे पहला हमारे इंडिया में लॉन्च हुआ है, दोस्तों वो किसके द्वारा किया गया है? तो हिटाची पेमेंट सर्विसेज के द्वारा। आपने हिटाची कंपनी के बारे में जरूर सुना होगा, ये जापानीज कंपनी है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जापानीज कंपनी हिटाची की बहुत सारी एसी वगैरह भी दिख जाएंगे, कंप्यूटर्स वगैरह भी दिख जाएंगे, लैपटॉप वगैरह भी दिख जाएंगे। तो दोस्तों बेसिकली एयर कंडीशन का इनका बहुत अच्छा काम है हिटाची का, और यहाँ पर हिटाची की सब्सिडरी कंपनी है हिटाची पेमेंट सर्विसेज, जो कि एक फिनटेक कंपनी है। फिनटेक कंपनी पता है आपको क्या होती है? जो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनीज होती है, जैसे कि जो बेसिकली पैसे में डील करती है, म्यूचुअल फंड्स में डील करती है, इन्वेस्टमेंट्स में डील करती है, उसको हम बोलते हैं फिनटेक कंपनी। तो हिटाची कंपनी की सब्सिडरी है हिटाची पेमेंट सर्विसेज, जो कि सबसे पहली दफा इंडिया में यूपीआई एटीएम को लॉन्च करने जा रही है, इंट्रोड्यूस करने जा रही है। ठीक है, वो भी किसके साथ मिलकर? एनपीसीआई के साथ मिलकर, क्योंकि यूपीआई का हर काम का देखरेख कौन करता है? एनपीसीआई करता है, जो कि एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है। दिस नोवल ऑफरिंग्स एम्पावर्स एनी बैंक कस्टमर्स टू एक्सपीरियंस द कन्वीनियंस ऑफ क्यूआर कोड बेस्ड यूपीआई कैशलेस और सॉरी यूपीआई कैश विड्रॉल्स। सुमील विकास में एमडी सीईओ ऑफ बिजनेस हिटाची पेमेंट सर्विसेज सेड कि ये जो आपका जो यहाँ पर स्टेप लिया गया है ना,
किसका, यूपीआई एटीएम का एक रेवोल्यूशनरी स्टेप होगा इंडिया के लिए। दोस्तों मैं आप लोग को एक चीज और यहाँ पर बता दूँ, यहाँ पर नोट नहीं लिखा हुआ है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ये जो यूपीआई एटीएम सबसे पहली दफा इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया में, वो कहाँ किया गया है? तो दोस्तों आपको अभी पता है कि मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट यहाँ पर चल रहा है, ठीक है। अगर आप लोग मेरे करंट अफेयर्स के दर्शक हैं, करंट अफेयर्स को फॉलो करते हैं रेगुलर बेसिस पर, तो मैंने आप लोग को अभी अभी बताया था कि मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट या फिर ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल चल रहा है, उसके दौरान ही वही पर मुंबई में ही यूपीआई एटीएम सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया। हालांकि आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगा अभी इंडिया में, अभी इंडिया में ही सर्कुलेट नहीं हुआ है, बना नहीं है, सिर्फ एक ही जगह मुंबई में अभी आपको देखने को मिलेगा, धीरे धीरे कर आपको पूरे इंडिया में देखने को मिलेगा दोस्तों, ठीक है। तो ये बात आप इधर क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ एनपीसीआई ने ये बात बोली है, वी आर डिलाइटेड टू एम्पावर कस्टमर विद दिस इनोवेटिव एंड कस्टमर फ्रेंडली एनहांसमेंट फॉर एटीएम ट्रांजेक्शंस। द लॉन्च ऑफ यूपीआई एटीएम विल मार्क अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन बैंकिंग सर्विसेज बाय सीमलेसली इंटीग्रेटिंग द कन्वीनियंस एंड सिक्योरिटी ऑफ यूपीआई इनटू ट्रेडिशनल एटीएम्स, राइट। तो यहाँ पर बेसिकली दोस्तों एनपीसीआई का कहना है कि ये एक अलग ही एक्सपीरियंस होगा किसके लिए, जो उनके कस्टमर्स है, जो बैंकिंग कस्टमर्स है उनके लिए, और ये डिजिटल लिटरेसी को, डिजिटल एरा को, डिजिटल वर्ल्ड को एक अलग क्विक एक्सेस प्रोवाइड करेगा। और इवन दोस्तों यहाँ पर जहाँ पर आपको डेली बेसिस पर वॉलेट में कार्ड्स भर भर के ले जाने की जरूरत होती थी, वहां पर कार्ड इंसर्ट करो एटीएम में, उसके बाद कैश निकलता था, कितने ही ओटीपीज आते थे, कितना ही सब कुछ होता था, इन सब की अब कोई जरूरत नहीं है, कार्ड भी ले जाने की जरूरत नहीं है, सीधा फोन लेकर जाओ एटीएम में, जाओ क्यूआर कोड स्कैन करो। आगे हम आपको बताएंगे इस वीडियो में क्या प्रोसेस है क्यूआर कोड से स्कैन कर पैसे निकालने का, सारी चीज है वीडियो में, लेकिन ये बहुत अब इजी बन जाएगा। कल को मान लो आपका डेबिट कार्ड खो भी जाता है ना कहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है, अब कोई झंझट नहीं है, ठीक है। तो बिल्कुल सीमलेस यहाँ पर कर दिया गया है डिजिटल ट्रांजेक्शंस को, और ये बहुत बढ़िया बात है। दोस्तों एक वर्ड यहाँ पर जरूर आपने नोटिस किया होगा, WLA, व्हाइट लेबल एटीएम्स। दोस्तों ये व्हाइट लेबल एटीएम्स होता क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में भी मुझे आप लोगों को बताना चाहिए, क्योंकि ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन बना सकता है, हर एक वो ऐसी चीज जो कि एक वर्ड है जो कि क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं, उन सब चीजों पर हम फोकस करते हुए चलते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर व्हाइट लेबल एटीएम्स में होता क्या है, इसका डिफ्रेंसिएशन मैं आप लोगों को बता दूं। देखो व्हाइट लेबल एटीएम्स जो होते हैं ना, ये किसी भी बैंक के द्वारा या किसी भी एनबीएफसी के द्वारा होल्ड नहीं किए जाते, ओन नहीं किए जाते, ठीक है। ये कोई भी फिनटेक कंपनी क्या करती है, अपना एटीएम यहाँ पर लगाती है, और आप चाहे तो उसको यूज, मैंने एक फोटो यहाँ पर लगा रखी है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए दोस्तों। इंडी कैश, अब ये कोई भी बैंक नहीं है या फिर कोई भी एनबीएफसी ये नहीं है, ठीक है, लेकिन इन्होंने क्या कर रखा है, एटीएम की सुविधा यहाँ पर प्रोवाइड कर रखी है। आप इंडी कैश में जाइए, कोई भी कार्ड ले जाइए किसी भी बैंक का, चाहे आईसीआईसीआई का डेबिट कार्ड ले जाइए, चाहे बंधन बैंक का ले जाइए, चाहे यूको बैंक का ले जाइए, चाहे कैनरा बैंक, कोई भी डेबिट कार्ड आप ले जाइए, और आप क्या कर सकते हैं, इस एटीएम से कैश विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये जो पूरा माजरा रहता है ना, ये थर्ड पार्टी के पास रहता है, ठीक है। यहाँ पर कोई भी बैंक, कोई भी कमर्शियल बैंक इस एटीएम को स्पॉन्सर नहीं करता, मेरी बात को गौर से सुनिएगा। व्हाइट लेबल एटीएम सिर्फ और सिर्फ थर्ड पार्टी का पूरा देखरेख में चलते हैं, कोई भी कमर्शियल बैंक इससे जुड़ा नहीं होता, ना इसको स्पॉन्सर करता है, ठीक है। और यहाँ पर जैसे मान लीजिए वही चार्जेस लगते हैं, वही मेट्रो में 3 और नॉन मेट्रो में 5, वो जो सेम ट्रांजेक्शन के पैसे कटते हैं, वो भी इस बैंक में भी सेम यहाँ पर वही चीज होती है, ठीक है। तो व्हाइट लेबल एटीएम्स क्या होते हैं, जो कि नॉन स्पॉन्सर्ड होते हैं, बिल्कुल बैंक से स्पॉन्सर्ड नहीं होते, ठीक है। अच्छा, उसी के साथ साथ ब्राउन लेबल एटीएम क्या होते हैं, ब्राउन लेबल एटीएम देखो इनके उल्टे होते हैं। जैसे सपोज करो कि मान लीजिए यूको बैंक है, ठीक है, और यूको बैंक अपना एक एटीएम खोलना चाहता है एक ऐसी जगह पर जहां पर कोई भी बेसिकली चहल पहल नहीं है, या फिर डेली जाना पॉसिबल नहीं है बैंक वालों के लिए, मतलब बिल्कुल दूर दराज किसी एरिया में, ठीक है। तो यहाँ पर वो बैंक एटीएम तो खोलना चाहता है, लेकिन अपना माथा में झंझट नहीं लेना चाहता, कोई मतलब काम, मतलब इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता कि खुद रोज जाकर देख कर आए ये सब। तो वो क्या करता है, थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करता है, उसको बोलता है कि भैया तुम मेरे बिहाफ में इस एटीएम को संभालो, ठीक है। इस एटीएम में जितना पैसा लगेगा वो मैं खुद अपने बैंक से भिजवा दूंगा, लेकिन पूरी देखरेख, मशीन का इंस्टॉलेशन, मशीन की केयरिंग, मेंटेनेंस सब तुम करोगे। तो यहाँ पर यूको बैंक क्या बन जाता है, स्पॉन्सर बैंक बन जाता है सिर्फ
यहाँ पर यूको बैंक का नाम जरूर होगा, यूको बैंक का एटीएम जरूर होगा, उसका बोर्ड जरूर लगा होगा, लेकिन पूरा मेंटेनेंस थर्ड पार्टी कर रही होगी। आगे बात समझ में, तो इसको बोलते हैं ब्राउन लेबल एटीएम। ग्रीन लेबल सीधा लिखा हुआ एग्रीकल्चर ट्रांजेक्शन के लिए होता है, ऑरेंज ट्रांजेक्शन ट्रांजेक्टिंग शेयर्स के लिए होता है, ई कॉमर्स के लिए येलो होता है, पिंक के लिए विमेन बैंकिंग के लिए होता है। लेकिन आपके लिए जो मेन इंपॉर्टेंट है वो ये दोनों है, एक व्हाइट लेबल एटीएम और एक ब्राउन लेबल एटीएम। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा डाल दिया ताकि आपको एक्स्ट्रा नॉलेज यहाँ पर मैं प्रोवाइड कर सकूँ। बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट व्हाइट लेबल एटीएम्स क्या होता है, ये बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं होते किसी भी बैंक के द्वारा, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर जो यूपीआई के एटीएम्स खोले जाएंगे ना दोस्तों, वो WLA ही होंगे, व्हाइट लेबल एटीएम्स ही होंगे, जैसे कि ये है। ठीक है, तो ये आपको इधर क्या करना है, ध्यान रखना है। जैसे कि आपको पता है, देखो टाटा है प्रोडक्ट, तो ये जो इंडिकैश है वो टाटा के द्वारा, थर्ड पार्टी के द्वारा यहाँ पर ओन किया जाता है। हालांकि दोस्तों एक चीज मैं यहाँ पर आप लोगों को बता दूं, आगे चलकर भी बात करेंगे इसके बारे में, जो यूपीआई एटीएम्स है उसमें अभी एक मिनिमम ट्रांजेक्शन, ठीक है, मिनिमम ट्रांजेक्शन यहाँ पर लगाया गया है। जैसे मान लीजिए कि यूपीआई में ऑलरेडी लिमिट है, आपको पता है यूपीआई जो अपन यूज करते हैं डेली बेसिस पर, उस पर ऑलरेडी लिमिट है, 1,00,000 रुपए तक ही आप डेली बेसिस पर डे के हिसाब से आप यूज कर सकते हो। ठीक है, लेकिन जो ये यूपीआई एटीएम होगा ना, इसमें भी यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन है कि पर ट्रांजेक्शन 10,000 रुपए से ज्यादा आप नहीं विड्रॉ कर सकते एक दिन में। ठीक है, अगर आपके पास मान लीजिए 2-3 ऐप है, जैसे आप बैंक ऑफ बड़ौदा का यूपीआई भी यूज करते हो, यूको का भी यूज करते हो, ICICI का भी यूज करते हो, तो आप हर एक ट्रांजेक्शन पर 10,000 रुपए निकाल सकते हो। लेकिन एक यूपीआई स्कैनर पर यूपीआई एटीएम से सिर्फ और सिर्फ अभी तक 10,000 रुपए ही आप क्या कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। ये थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर दोस्तों अभी लगाया गया है। ठीक है, तो ये आपको समझना पड़ेगा, है ना। अब बात करते हैं कि मैम आपने इतना कुछ तो हमें बता दिया, सब कुछ हम समझ गए, WLA क्या होता है, NPCI क्या रोल कर रहा है, कौन सी फिनटेक कंपनी है जो इसको क्या कर रही है, स्पॉन्सर कर रही है, जो कि मैंने आपको बताया हिटाची पेमेंट सर्विसेज है। मैम ये काम कैसे करेगा, स्टेप्स बताइए हमें कि हम अगर यूपीआई एटीएम कल को जाएं तो हम किस तरीके से पैसे वहां से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखो स्टेप्स क्या है, मैंने यहाँ पर आप लोग के लिए लिख दिया है। तो स्टेप्स क्या है, सबसे पहले आप अपना विड्रॉल अमाउंट डालेंगे। जैसे सपोज करिए कि मुझे 5,000 रुपए क्या करने, विड्रॉ करने, तो मैंने 5,000 रुपए उसमें एंटर कर दिए। फिर एक यूपीआई कोड होगा, वो क्या होगा, जनरेट होगा, वो मुझे डिस्प्ले होगा। उसको मैंने क्या किया, अपना यूपीआई ऐप, जैसे मान लो मेरे से हम अपनी पर्सनल बात करें तो हम सबसे ज्यादा जीपे यूज करते हैं, गूगल पे। तो गूगल पे मैंने खोला, मैंने उस क्यूआर को क्या किया, स्कैन किया। जैसे ही मैंने क्यूआर को स्कैन किया, मैंने अपना यूपीआई पिन वहां पर ऑथराइज किया। ठीक है, जैसे ही यूपीआई पिन मैंने फोन पर क्या कर दिया, ऑथराइज कर दिया, वो डायरेक्टली मेरा कैश क्या कर देगा, मुझे निकाल कर दे देगा। आगे बात समझ में, आपको बिल्कुल इजी है, एकदम सेम कैसा है मैम, ये तो बिल्कुल सेम है जैसे कि हम किसी मार्केट वाले को या फिर किसी मार्केटर को, शॉपकीपर को जैसे ट्रांसफर करते हैं, बिल्कुल सेम वैसा ही है, बिल्कुल वैसा ही है। ठीक है, वहां पर भी देखो क्या होता है, जब आप लोग बोलते हो, वो आपसे पूछता है सर आप कार्ड देंगे या फिर यूपीआई, तो आप बोलते हैं यूपीआई, तो वो अपने जो POS मशीन होता है उसमें QR कोड जनरेट कर देता है कि आप इसको स्कैन करके पे कर दो। बस बिल्कुल वही सिस्टम है, वहां पर पैसे कट के आते हैं, आपको मिलते नहीं, यहाँ पर आपके हाथ में पैसा आ जाएगा, बस सिंपल सी बात है, एकदम सेम प्रोसेस है दोस्तों, और कोई भी झंझट नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ 5 स्टेप है, 1, 2, 3, 4, 5, ये स्टेप जैसे ही आप फॉलो करेंगे आपके हाथ में पैसा आपका आ जाएगा। और एक बात ध्यान रखना, अभी की जो लिमिट बताई गई है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, अभी पर डे बेसिस पर सिर्फ 10,000 रुपए ही क्या होंगे, विड्रॉल होंगे। मैम ये क्या सभी फोन्स में चलेगा, जैसे एंड्रॉइड और कोई कोई हम एप्पल भी यूज करते हैं, तो बिल्कुल निश्चिंत रहें, पूरा जो डेटाबेस है वो एप्पल मतलब iOS पर भी चलेगा और एंड्रॉइड पर भी चलेगा। और इसमें जो यूपीआई एटीएम है उसमें एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्ट किया हुआ है, तो यूपीआई एटीएम्स के अंदर एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम्स रहेगा, लेकिन ये iOS और एंड्रॉइड दोनों के लिए क्या होगा, फिजिबल होगा, कोई भी दिक्कत यहाँ पर आप लोगों को नहीं आएगी। ठीक है, बस विड्रॉल की लिमिट यहाँ पर ध्यान रखना, और ये भी इंटर ऑपरेबल है, ऐसा जरूरी नहीं है कि QR कोड सिर्फ गूगल पे से ही होगा, पेटीएम से भी हो सकता है, किसी बैंकिंग UPI ऐप से भी हो सकता है, चाहे ICICI का हो, चाहे यूको का, चाहे कैनरा का हो, चाहे BOB का हो, किसी से भी हो सकता है, पेटीएम वगैरह से भी हो सकता है, फ्रीचार्ज, मोबीक्विक, सबसे हो सकता है। ठीक है, तो इंटर ऑपरेबल है, ये आपको ध्यान रखना है। एक चीज इसमें मुझे सबसे अच्छी क्या लगी दोस्तों, वो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी है यहाँ पर, इसमें किसी भी तरीके की चोरी चमारी का कोई भी स्कोप नहीं है। जैसे आप लोगों को पता है ना, कार्ड स्किमिंग
आपको पता होगी ये टर्म क्या होती है, नहीं पता है तो मैं भी बता दूं दोस्तों। वो होता है ना कि जैसे एटीएम मशीन है, जैसे कि एक बार हम यहाँ पर चलते हैं, वैसे मैंने एटीएम में, हाँ यहाँ पर चलते हैं हम एटीएम मशीन का, ये इस पॉइंट पर हम कार्ड को क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं। उसमें कभी कभी क्या होता है, बारकोड रीडर लगा दिया जाता है, कोई चोर होता है जो हैक करता है वो बारकोड रीडर लगा देता है। यहाँ पर जब हम वो टाइप करते हैं अपने नंबर, उसमें भी कुछ ऐसी ऑलरेडी डिवाइसेस लगी रहती है जो हमारे नंबर को, जो हमारा कॉन्फिडेंशियल नंबर है, पिन नंबर है, उसको पकड़ लेती है, ठीक है, उसको देख लेती है। तो यहाँ पर ये सारी जो चीजें होती है उसको हम बोलते हैं स्किमिंग। ये जो स्किमिंग का स्कोप है ना, अभी बिल्कुल खत्म हो जाएगा दोस्तों, आगे बात समझ में। तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप है, बहुत अच्छा स्टेप है इन सब चीजों से बचने का, जो ये यूपीआई एटीएम लेकर आए हैं, क्योंकि डायरेक्टली अब क्यूआर कोड से होगा तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। यहाँ पर देख लो एक बार फिर मैंने स्टेप्स यहाँ पर आपको दिए हैं। यहाँ पर यूपीआई कैश विड्रॉल एटीएम आप सिलेक्ट करेंगे, विड्रॉल अमाउंट डालेंगे, क्यूआर कोड डिस्प्ले होगा, क्यूआर कोड को आप क्या करेंगे, स्कैन करेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, वंस द अमाउंट डेबिटेड इन यूपीआई यूजर द सिलेक्ट प्रेस हेयर ओके फॉर कैश एंड कैश विल बी डिस्पेंस्ड, राइट। तो ये 5 से 6 स्टेप हैं जो आपको क्या करेगा, आपके हाथ में पैसे दे देगा, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा, उसी के साथ साथ कई एक चीज और मैं यहाँ पर आप लोगों को समझा दूँ दोस्तों। पहले जो यहाँ पर विड्रॉल एटीएम, मतलब बेसिकली ये तो यूपीआई एटीएम की बात हमने कर ली। एक होते हैं कार्डलेस एटीएम्स, ये भी दोस्तों बैंक्स के द्वारा चलाया गया था, कार्डलेस एटीएम, बिना कार्ड के पैसे मिल जाते हैं। तो मैम ये कहीं ना कहीं सेम ही तो हुआ यूपीआई एटीएम से, ये सेम नहीं है। देखो मेरी बात को समझना आप गौर से, जो कार्डलेस एटीएम होते हैं ना उनके प्रोसेस बहुत लंबे होते हैं। पहले वो मोबाइल नंबर डालो रजिस्टर्ड, फिर वो ओटीपी भेजते हैं, फिर वो ओटीपी वेरीफाई करवाते हैं, ठीक है। और ये अलग अलग प्रोसेस होता है, 10,000 रुपये अलग होता है, 15,000 रुपये अलग होता है, 20,000 रुपये अलग होता है, 1,00,000 रुपये अलग होता है। तो जो जो अमाउंट जैसे जैसे होता है उस पे अलग होता है। तो ये काफी लंबा प्रोसेस है। इवन मैंने भी एक या दो बार इसको यूज किया हुआ है, कार्डलेस वाले एटीएम को। बहुत मुश्किल होती है दोस्तों। मान लो कि अगर आपका फोन उस टाइम स्विच ऑफ हो, या फिर मान लो 1% 2% ही बैटरी रह जाए आपकी, तो काफी डिफिकल्टी हो जाती है। अच्छा, उसमें फिर नेटवर्क रहना बहुत जरूरी है, सबसे बड़ी बात आई बात समझ में, नेटवर्क के काफी इशू हो जाता है वहां पर। तो ये मोबाइल ओटीपी वाला जो खेल है ना, ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है। लेकिन ये जो यूपीआई एटीएम वाला है ना, वो तो बिल्कुल ही कुछ नहीं है, बस क्यूआर कोड स्कैन करो और खत्म है काम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हालांकि उसमें भी इंटरनेट तो चाहिए होता है ना, जो बात मैंने इंटरनेट की बोली वो तो उसमें भी चाहिए होता है, क्यूआर कोड को स्कैन करने के लिए भी चाहिए होता है। लेकिन ठीक है, 200-500 रुपए के लिए तो आजकल ऑफलाइन भी हो जाता है। तो अगर मान लो कहीं अटक गए हो तुम, बिल्कुल ही अटक गए हो, तुम्हारे जेब में एक भी पैसा नहीं है भैया, 100 रुपए तक अटक भी नहीं है, तो तुम 500 रुपए तक तो ऑफलाइन यूपीआई लाइट एक्स कर कर क्यूआर कोड कर स्कैन कर कर भी पैसे ले सकते हो। तो ये यूपीआई एटीएम है ना, ये इसकी खासियत हो जाती है यहाँ पर। ये कार्डलेस में नहीं होता, क्योंकि कार्डलेस तो बिना ओटीपी के चल ही नहीं सकता, आ गई बात समझ में तुम्हें। तो ये यहाँ पर एक सिग्निफिकेंट मार्क करता है माइलस्टोन को, जो भी हम अचीव करने वाले हैं आने वाले टाइम में, राइट। तो ये बात भी आप क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अब ये दोस्तों सारी चीजें ग्लोबल फिनटेक फेस्ट के द्वारा ही हुई है, ये भी ध्यान रखना। यूपीआई से रिलेटेड मुझे एक और बात आप लोगों से यहाँ पर करनी चाहिए दोस्तों, वीडियो को एंड करने से पहले। यूपीआई के लिए मैंने एक रिलेटेड वीडियो लास्ट डे भी डाला था, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि यूपीआई में 3 नए प्रोडक्ट्स यहाँ पर लॉन्च हुए हैं, जो कि हेलो यूपीआई है, ठीक है, जो कि कन्वर्जेशनल यूपीआई हो जाएगा। अब आप कमांड कर कर, वॉइस कमांड कर कर भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। दूसरा हो जाता है यूपीआई लाइट एक्स, और जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है यहाँ पर वो आप लोगों के लिए हो जाएगा कि क्रेडिट ऑनलाइन यूपीआई आपको देगा, मतलब आप लोन भी ले सकते हैं यूपीआई से, ठीक है, जो कि निर्धारित होगा। तो यहाँ पर ये 3 अदर प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च किए गए हैं, उनकी वीडियो आप देख लेना अगर आपने नहीं देखी है तो। और यूपीआई जो है वो एक रिमार्केबल माइलस्टोन यहाँ पर अचीव करने वाला है दोस्तों। हम 10 बिलियन ट्रांजेक्शन्स को क्रॉस करने के लिए एक माइलस्टोन सेट करने वाले हैं ऑलरेडी दोस्तों। जो पूरी साल की अगर मैं बात करूँ, लास्ट अगस्त के महीने में 10.58 बिलियन, 10.58 बिलियन का ट्रांजेक्शन वॉल्यूम, ट्रांजेक्शन ऑलरेडी हम लोग अचीव कर चुके हैं। तो ये बात तो है कि आगे आने वाले फ्यूचर में, आगे आने वाला जो टाइम है उसमें बहुत पोटेंशियल रखेगा यूपीआई। और ये जो यूपीआई है वो 100 बिलियन ट्रांजेक्शन्स को जरूर 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 अचीव करेगा, ये एनपीसीआई का कहना है। और एनपीसीआई ये करने के लिए हर एक वैल्यूएबल स्टेप को क्या करेगा, सॉलिडिफाई करेगा, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा आप लोगों के लिए समझना और जानना कि क्यों यूपीआई में इतने बदलाव किए जा रहे हैं, और क्यों यूपीआई को इतना सिक्योर, सीमलेस और फास्ट बनाया जा रहा है, ताकि जो डिजिटल सपना है ना भारत का, उसे हम अचीव कर पाए, ठीक है। तो आशा करते हैं कि वीडियो आप लोगों को दोस्तों इंटरेस्टिंग, इंफॉर्मेटिव और हेल्पफुल यहाँ पर लगा होगा। साथ ही साथ आप
आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि किस वजह से यूपीआई को इतना ज्यादा क्या दिया जा रहा है, महत्व दिया जा रहा है, कि इसमें एनएफसी, यूपीआई लाइट एक्स, उसका जो वैल्यू है ऑफलाइन ट्रांजेक्शन की, वो 200 रुपए से 500 रुपए तक बढ़ा दी गई है, सब क्यों किया जा रहा है। ठीक है, ऐसी वैल्यूएबल वीडियोस हम डेली आप लोगों के लिए लेकर आते हैं दोस्तों। यहाँ पर हम WBCS, SSC, रेलवे, बैंक सभी की प्रिपरेशन करवाते हैं, हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन यहाँ पर करवाते हैं। अगर आप हमारे साथ डेली जुड़ना चाहते हैं तो आप vision.co.in जाओ, जो हमारी ऑनलाइन वेबसाइट है दोस्तों, जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर जाकर आप अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं, हसल फ्री। कोई भी क्वेश्चन होता है मन में, आपके कोई भी डाउट है, तो व्हाट्सएप के थ्रू आप हमसे डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं और मेरे साथ आप लोग डायरेक्टली जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर, जो कि ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है अविजन इंस्टीट्यूट का, जहाँ पर आपको इन सब वीडियोज की लिंक और PDF सबसे पहले मिलती है। साथ ही साथ दोस्तों मैं बता दूं आप लोगों की कि डेली करेंट अफेयर्स भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, फॉलो अप कर सकते हैं, जहाँ पर हम 10 डेली इंपॉर्टेंट न्यूज पढ़ते हैं और साथ ही साथ उनकी MCQs भी वहां पर सॉल्व करते हैं। और आजकल ने तो हमने एक और एक्स्ट्रा उसमें चीज यहाँ पर जोड़ी है कि हम स्टैटिक अवेयरनेस न्यूज को भी यहाँ पर लेकर चलते हैं। ठीक है, तो फिर देर किस बात की दोस्तों, कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी सजेशन होता है, तो कमेंट बॉक्स का यूज करिए। तब तक के लिए आगे आने वाली वीडियोस को देखते रहिए, जुड़े रहिए और बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।